अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान, इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। अजी आपके सामने प्रस्तुत है कीर्तन मंडल शेरपुर और जिसके ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता बड़े भाई देवेंद्र देशवाल डीजे साउंड खटूमर मुड़िया। और देखिए हेलो जाने तो कु हसनो और बोलनो सिखायो है और तू जो गुरु माने तो माने अपने बाप को और जाने तो कु जीवन को पाठो तो गुरु गुरु कहता और फिर भी गुरु तेन नकली बनायो है और असली गुरु तो तेरे घट में विराज रहो और जाकू तू आज तक ढूंढना है। तो कुछ बात लिखी अरे होता शेर जंगल का राजा हो अरे होता शेर जंगल का राजा
और उसे जगाना ना चाहिए। और माया जोगी अग्नि जल से हित लगाना ना चाहिए, हित लगाना ना चाहिए, हो हित लगाना ना चाहिए भाई, हित लगाना ना चाहिए। माया जोगी अग्नि जल से हित शेर जंगल का राजा होता है और शेर से कभी भी आगे से जाकर के छेड़खानी करनी नहीं चाहिए। और इसी तरह माया धन और योगी अग्नि और जल इससे भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और आ गए अरे बहके जल की तेज गति में हो, बहके जल की तेज गति में कूद के नहाना ना चाहिए भाई, कूद के नहाना दुश्मन के घर जाके रोटी भूल के खाना ना चाहिए, भूल के खाना ना चाहिए, हो भूल के खाना ना चाहिए भाई, भूल के खाना ना चाहिए। दुश्मन के घर जी ये 100 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप हमें यहाँ की पार्टी बरौली शहर इनाम स्वरूप भेंट करती है। धन्यवाद। हो पहले मुख चंद्र दिखा करके, पहले मुख भगवान श्री कृष्ण से पहले मुख चंद्र दिखा करके और फिर हाय वियोग दिखायो क्यों, चरणामृत चरणामृत साथ चखा करके बिस्का फिर प्याला पिलायो, चरणामृत साथ चखा करके बिस्का फिर प्याला पिलायो, चरणामृत साथ चखा करके बिस्का फिर प्याला पिलायो। बस एक ही बार हंसा करके, बस
सदैव रुलायो क्यों। गोपी कहे मोह नहीं मन में, मन मोहन नाम धरायो क्यों। गोपी गाना बजा क्या बेटा, कि कभी गम न देना छोरे, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। तो प्रसंग उस समय का सज्जनों, प्रसंग तो सभी आपके सुने हुए, लेकिन कवि की लेखनी और गाने के तरीके अलग हुआ फर्क हुआ करते हैं। तो अग्निदेव और इंद्र ने और मन में किया विचार, और अपना रूप छिपा के और आए शिवी के द्वार। अरे आए शिवी के बाज को रूप बनायो, अरे बना कबूतर अग्निदेव उड़ तो राजा ढेंगे आयो। तो सज्जनो, सज्जनो, अग्निदेव और इंद्र राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो बाज और कबूतर का रूप धारण करके वहां पर पहुंचते हैं। बाज कबूतर के पीछे पीछे दौड़ता हुआ जाता है और कबूतर राजा शिवी की गोदी में जाकर के शरणागत हो जाता है। आगे ये कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे भैया। अरे कहे सुन ले राजा मेरी पुकार को, और दुबायो कबूतर तेने छोड़ दे शिकार को। अरे क्या बात है, दुबायो कबूतर तेने छोड़ दे शिकार को। तो भैया देशवाल, ओ कहे बाज सुन ले राजा, ओ कहे बाज सुन ले छोड़ दे शिकार को।
कहने लगा बाज राजा सिबी से कि हे राजन, तूने मेरे शिकार को दबाया है। और उसका जवाब राजा सिबी क्या देता है, सुनो ना मेरा राजा सिबी, Yeah.
राजा शिबी क्या बोलते हैं, हे पक्षे जो मेरी शरण में आ जाता उसके लिए मैं शरण देता हूं, चाहे मेरे शरीर को काट काट करके तुम्हारे भोजन की पूर्ति हो जाए, लेकिन शरणागत को मैं कभी त्यागना मंजूर नहीं करता। आगे क्या कहता है भैया कली के माध्यम से सुनिए। ओ धारा में को काटो पड़ला खग को मन साक
बजरंग बली की जय, बोले बजरंग बली की जय, हो जाते हैं जय बेड़ा पार, बोल घोटा मारे की जय।